अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। ओशो का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बुद्धत्व है, बस उसको जगाने की जरूरत है। बुद्धत्व जाग गया या नहीं जागा, इसके लिए व्यक्ति विशेष जिम्मेदार होता है। इसको उन्होंने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया, मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू पहले दिन स्कूल गया, लौटते समय उसको कुछ देर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो कहीं मदारी का खेल देखने लगा, और मदारी का खेल तो है ही बड़ा जोरदार। तब तो बड़े से बड़े व्यक्ति भी मदारी का खेल देखते हैं और खेलने भी लगते हैं। वो तो ठहरा छोटा बच्चा, क्या करता, उसका भी मन लग गया। खैर, जब वो घर देर से लौटा तो मुल्ला ने पकड़ करके उसको पिटाई लगा दी और कहा कि यह तेरा पहला पाठ है कि आज के बाद दोबारा कभी भी घर देर से मत आना। कोई बात नहीं, दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन बच्चा समय पर आया, लेकिन आज उसके कपड़े गंदे थे, फटे थे। हो सकता है शायद कोई झगड़ा हुआ हो, खेल खेल में मारपीट हो गई होगी, लड़कों ने उसको पीट दिया होगा, या वो उलझ गया होगा। मुल्ला ने फिर से उसकी पिटाई कर दी और आज कहा कि ये तेरा दूसरा पाठ है, आगे से कपड़े ना तो गंदे होने चाहिए ना फटे होने चाहिए। जहां भी जाओ, जैसे भी चलो, सोच समझ कर चलो। खैर, तीसरा दिन, आज कपड़े तो ठीक थे, समय पर भी बेटा आ गया, लेकिन स्कूल में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। पिछले छोर से प्रथम आया। फिर मुल्ला ने उसकी पिटाई की और कहा, इससे आज नया पाठ पढ़ लो, ऐसा नहीं चलेगा। यह जिंदगी कठोर संघर्ष है, इसमें छीना झपटी है, ऐसे पीछे पीछे रहोगे मारे जाओगे। कुछ भी करो, ठीक कि गलत, मगर सीढ़ियां चढ़ो, आगे बढ़ो, हमेशा प्रथम रहो, चाहे कोई भी उपाय करना पड़े, एन केन प्रकीर्ण, मगर प्रथम रहना। खैर, चौथा दिन, लड़का अति प्रसन्नता से झूमता हुआ चला आ रहा है, क्योंकि आज वो समय पर है, उसके कपड़े भी फटे नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है, हाथ में शिक्षक का प्रमाण पत्र लेकर के आया है। बच्चा बहुत खुश था कि आज पिटाई नहीं होगी, मगर मुल्ला ने न आओ देखा न ताओ, एकदम झपटा, पकड़ी गर्दन, कर दी पिटाई। लड़का चिल्लाया, चिल्लाता ही रहा कि सुनो तो, मगर सुने कौन? जब तक मुल्ला सुनता तब तक तो पिटाई हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि होश में हैं आप, पागल क्यों हो रहे हैं? ना तो मैं देर से आया, ना मेरे कपड़े फटे हैं, और यह प्रमाण पत्र कि आज मैं प्रथम आया हूं कक्षा में। तब मुल्ला ने कहा, इससे तुम आज एक नया पाठ पढ़ लो कि इस संसार में न्याय कहीं भी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति दीक्षित हो रहा है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति दीक्षित। हाय फ्रेंड्स, दिस इज चॉकलेटर अमित नारायण फ्रॉम बाइट्स चॉकलेट डिलाइट जबलपुर। वी प्रेजेंट यू ए चॉकलेट फोटो फ्रेम with 8 piece of chocolates and a free photo frame for you. This will be packed and sent by courier to you with a doorstep delivery. Charges for this 350 rupees. So please book your order for this exclusive gift. इच्छित किया जा रहा है, इस तरह माता पिता कर रहे हैं, परिवार कर रहा है, शिक्षक कर रहे हैं, पंडित पुरोहित कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं,
इसलिए हम चूक रहे हैं उससे जो हमारा धन है, जो हमारी वास्तविक संपदा है। हमसे कोई भी गरीब है या कोई गरीब नहीं है, हमसे कोई भी भिखारी नहीं है। परमात्मा भिखारी पैदा करता ही नहीं है, लेकिन मुल्ला जैसे लोग, हमारा समाज सिर्फ पिटाई कर करके दीक्षित कर रहा है, जबकि परमात्मा ने किसी को भिखारी पैदा नहीं करा। परमात्मा भिखारी पैदा करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मा जिसे भी बनाएगा उसे सम्राट ही बनाएगा, उसके हाथों से सम्राट ही निर्मित हो सकते हैं। तुम भी सम्राट हो, इसे जान लेना संबोधि है। तुम भी मालिकों के मालिक हो, इसे पहचान लेना बुद्धत्व है। तुम्हारे भीतर एक लोक है, एक अकूत संपदा है, अपरिसीमित आनंद का रहस्य है, उसे उघाड़े जाओ। कितना ही उघाड़ोगे कभी पूरे के पूरे उघाड़ ना पाओगे, ऐसी अनंत श्रृंखला है इसकी। इतने दिए जल रहे हैं शरीर के अंदर, इतनी रोशनी है, और तुम अंधेरे में जिए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर अटकी हैं और बाहर अंधेरा है, जबकि भीतर प्रकाश है। बाहर अंधकार है, भीतर आलोक है। जो भीतर मुड़ा, जिसने अपने आलोक को पहचाना, वही तो बुद्ध है। बुद्धत्व प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता है, बुद्धत्व उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम चूक जाओ तो तुम्हारे अतिरिक्त इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बुद्धत्व प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और उसके जन्मसिद्ध अधिकार से जुड़ा हुआ है। मित्रों, उस दर्शन में बस आज इतना ही।